हिमाचल की उड़न परी बक्षो देवी काफी तेज दौड़ती हैं। बक्षो देवी के पास संसाधनों की कमी नहीं है, इसके बावजूद इस महिला ने कई बार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लेकिन आज जब बक्षो देवी अस्पताल में भर्ती हैं, तो प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही। हवा से बातें करती तेज रफ्तार से दौड़ती ये लड़की जब रुकी, इसे कुछ दर्द हुआ। हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फील्ड से अस्पताल का सफर तय करने वाली इस लड़की का नाम बक्षो देवी है। इसे हिमाचल की उड़न परी कहा जाता है। नंगे पैर सरपड़ दौड़ना इसका हुनर है, पर ये उड़न परी बीमार क्या पड़ी इसकी कदर नहीं रही। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया और ना ही उसे कोई दवाई अस्पताल से दी गई। बक्षो के पास पैसे नहीं थे, उसका खर्च उसके अध्यापक उठा रहे हैं। स्कूल में आई सर, पिता तो ठीक है सर, जब पीरियड लगवाने गए ना अपना, और इंग्लिश का पीरियड सर, फिर सर पेट में दर्द होने लगी सर जी, फिर सही खाली भी नहीं था सर जी, फिर मैम ने सही चाय चुके और रोटी खिलाई सी, फिर आधी छुट्टी होगी हम खाना खाने गए सर जी, फिर सी चाय से सारी सही भी क्या होगा पूरे हफ्ते ऐसे। मैं SMO के पास दो बार गई, CMO के पास दो बार, लेकिन दोनों नहीं मिली मुझे, दोनों नहीं मिले। हमें ये था कि मेडिसिन इसको अंदर तो मिल जाए, लेकिन वो दोनों नहीं मिले मुझे, है नहीं थे वो, कुर्सी पर थे ही नहीं। जब फील्ड पर बक्षो देवी का हुनर चमका तो उस पर इनामों की बारिश हुई थी। उसका बैंक अकाउंट का बैलेंस 3 लाख रुपए तक पहुंच गया, पर इलाज के लिए बक्षो उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी बालिग नहीं हुई है। बहुत पैसे हैं सर, लेकिन ये खर्च नहीं कर सकती, उसका फायदा क्या सर, ये खर्च नहीं कर सकती, फायदा। खैर, अस्पताल प्रशासन का दावा है कि अस्पताल में सब सुविधाएं हैं और अगर इलाज में लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारे हॉस्पिटल में सब कुछ अवेलेबल है, अगर इसके बावजूद नहीं है ना हमारे जो स्टाफ वाला इसको फॉलो नहीं करता तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। हम अपने एथलीट से मेडल की उम्मीद करते हैं, पर अगर एक प्राथमिक उपचार भी हम उन्हें नहीं दे पाए तो क्या मेडल की उम्मीद करना बेमानी नहीं होगी। राकेश मल्ली, जी मीडिया, ऊना।